पॉइंट हमने क्रॉस किया और हम घुस चुके हैं राजस्थान के अंदर। राइड के सेकंड डे पे रोना आ रहा है यार। फिर भी मैंने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे नंबर दे दिया अपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5:30 बज रहे सुबह के और आज है 20th of October। मैंने सोचा कि पहले बाइक को पूरा रेडी कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं आज के सफ़र के लिए। चेंज एंड ऑल करके मैं नीचे आपको मिलता हूँ। आई एम ऑल सेट टू लीव। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो आज का जो सफ़र है वो है इंदौर टू आगरा, जो कि गूगल मैप्स में 620 किलोमीटर्स बता रहा है। दैट इज़ रफली बता रहा है कि शाम के 5:30 बजे तक मैं आगरा पहुँचूँगा। चलो मासी, बाय बाय। चल तुषार, बाय बाय, मिलते हैं। हाँ हाँ, चलो आज का सफ़र शुरू कर लिया है। तो इसी के साथ गणपति बापा मोरिया। गाड़ी जो है रिजर्व में लग चुकी है, तो सोचा पहले फ्यूल भरवा लेते हैं। और इसी के साथ मैंने इंदौर सिटी को पीछे छोड़ दिया है और ये रास्ता जाएगा पहले देवास की तरफ और उसके बाद आगरा हाईवे। और सच बताऊं तो हल्की हल्की सी ठंडी पड़ रही है क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा और ठंडा है। अभी 17 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, विच इज़ क्वाइट प्लेजेंट और एकदम ठंडा। सो फर्स्ट टोल ऑफ द डे, इंदौर देवास टोलवे। यहाँ पे आई एम क्रॉसिंग देवास आउटस्कर्ट से ही, इस तरफ अंदर देवास सिटी है। और ये क्या मतलब, ओहो देखो इनका मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। ये देखो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति। सो जय बजरंग बली, गिव मी पावर, गिव मी स्ट्रेंथ। सो अगर अब मैं ये पुल के नीचे से जाता तो मैं भोपाल सिटी जा पाता, मतलब भोपाल के लिए जो रास्ता जाता है वो, यहाँ से स्ट्रेट जाता है आगरा के लिए हाईवे। और यहाँ मेरी सेल्फी स्टिक जो है ये टूट गई, गिर गई एक्चुअली। अबे यार इसकी तो हालत ख़राब हो गई यार, शिट, इसका तो पूरा गेम ओवर हो गया, शिट। 3,000 रुपये वेस्ट हो गए। मैं सोचा इससे ड्रोन शॉट्स लूँगा। अबे यार क्या हो गया, सुबह सुबह नुकसान। फेक तो नहीं रहा हूँ मैं, यहीं पर रख देता हूँ, देखता हूँ क्या करना है इसका। गिरी उसकी एक्चुअली गिरी सेल्फी स्टिक और उसके बाद उसके ऊपर से एक ट्रक चले गई, इस वजह से ऐसी हालत हो गई है। चलो कोई बात नहीं, रुक के तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सो फार 200 किलोमीटर्स डन एंड राइट नाउ आई एम एट NH 46, मुंबई आगरा हाईवे। राइट नाउ आई एम एट जंजालिया और आई फील ना आज का दिन मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि जो आज एवरेज दी है बाइक ने वो एकदम घटिया, एकदम बकवास एवरेज दी है। मतलब 250 किलोमीटर ही सिर्फ चली, कल फिर भी 310 किलोमीटर चली थी, कल फिर भी एवरेज बहुत अच्छा था। अभी सिर्फ 250 किलोमीटर हुए हैं और रफली और 400 किलोमीटर्स बाकी हैं। सो आई एम स्टिल एट दिस पेट्रोल पम्प ओनली। 15 मिनट हो गए, मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से आने के बाद आई फेल्ट लाइक कि 10:30 हो रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो रहा है। तो इसके बाद मैं और 50 किलोमीटर बाद अगर स्टॉप लूँ, वापस एक घंटे का स्टॉप लूँ तो बहुत अननेसेसरी हो जाएगा। तो सोचा है कि यहीं पे रुक के कुछ खा लेता हूँ। तो वैसे भी हम अपना कैफ़े तो कैरी कर रहे हैं अपने साथ, कैफ़े एज इन ये जो बैग है इसको मैंने नाम दिया है राइड विद सौरव्स कैफ़े, क्योंकि इसी के अंदर है मेरा सारा खाने पीने का सामान। तो ये कैफ़े का दरवाज़ा खुल गया है। हाँ ये अच्छा ऑप्शन है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये अच्छा ऑप्शन है। तो आज कैफ़े से निकला है पोरन पोली, तो मैं साइड में बैठ के पोरन पोली खा लेता हूँ। कहते हैं ना दिन जब ख़राब होता है तो इतना ख़राब होता है पूछो मत। इतना ख़राब दिन जा रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सेल्फी स्टिक टूटी, उसके बाद पेट्रोल एवरेज नहीं हुआ, तो चलो ठीक है, ये दोनों एकदम नेग्लिजिबल चीज़ें हैं। अभी पिछले आधे घंटे से मैं ढूंढ रहा हूँ, बट मेरे को मेरे एयरपॉड्स की डब्बी नहीं मिल रही, जो एयरपॉड्स का केस होता है ना वो। तो मैं यूजुअली हमेशा ऐसे करता हूँ कि एक एयरपॉड्स मेरे कान में होते हैं, दूसरा मैं चार्ज करने रखता हूँ, तो इसकी बैटरी ख़त्म होती है, दूसरा पहनता हूँ। तो मैंने अभी सोचा कि इसकी ख़त्म होने वाली है, चेंज कर लेता हूँ। तो टैंक बैग में रहते हैं मेरे एयरपॉड्स और मेरे को एयरपॉड्स मिल ही नहीं रहे।
आधे घंटे ढूंढ रहा हूँ, पूरा टैंक बैग खोल दिया है, देखो पूरा खोल के देख लिया, कहीं नहीं मिल रहे। डफल बैग भी चेक कर लिया एक बार, मतलब आगे बढ़ने का मन ही नहीं हो रहा यार। ऐसा लग रहा है एयरपॉड्स किधर गए मेरे, 10,000 रुपये के एयरपॉड्स नुकसान। राइड के सेकेंड डे पे ही रोना आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि मतलब आगे क्या करूँ, जाऊँ कि वापस चले जाऊँ, क्या करूँ। बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब, वर्स्ट फीलिंग। 10,000 रुपये का फोकट नुकसान, बिना मतलब कि मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है गए कहाँ गिरे कहाँ, क्योंकि मैंने रास्ते में एक बार ही चेंज किए थे। देखते हैं क्या करना है, बता दूंगा थोड़ी देर में आपको। 11:52 हो रहे हैं, मैंने डिसाइड किया है आगे बढ़ने का, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मतलब यहाँ रुक के पूरा दिन वेस्ट करूँ, या आगे निकलूँ, आगरा पहुँचूँ और आगे की राइड कंटिन्यू करूँ। तो मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि आगे जाओ, जो हो गया सो हो गया, उसको भूलो। फिर भी मैंने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे नंबर दे दिया अपना, तो अगर सपोज़ एयरपोर्ट्स का केस मिल जाता है तो फिर कैसे यहाँ से लेना है वो देखेंगे। बट हाल फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं। गणपति बप्पा मोरया ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है पूरे दिन में, आधा दिन हुआ है सिर्फ अभी तक, बाकी आधा दिन तो एटलीस्ट अच्छे से चला जाए, यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। सबसे थर्ड क्लास बात ये है कि अभी पूरा रास्ता 400 किलोमीटर बाकी है, गाने नहीं सुन पाऊँगा यार, अकेला इंसान सोलो ट्रैवलर, मतलब अभी गाने भी ना सुने तो और क्या करें पूरा रास्ता, आप बताओ। जहाँ मैंने ब्रेक लिया था वहाँ पर 250 किलोमीटर ख़त्म हुए थे, उसके बाद अभी 490 किलोमीटर हो रहे हैं। मतलब एक ये 3 घंटे मैंने 240 किलोमीटर कम्प्लीट किए हैं, सो आई हैव रीच्ड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ ग्वालियर। एग्जैक्टली ग्वालियर के बाहर हूँ, अंदर इस तरफ ग्वालियर सिटी है। ये हाईवे है टुवर्ड्स माई लेफ्ट, वहाँ से स्ट्रेट 130 किलोमीटर्स इट विल बी आगरा। तो अभी एक चाय ब्रेक लिया है, चाय के चटकारे लगाएंगे अच्छे से, 15-20 मिनट बैठूँगा, क्योंकि कंटिन्यूसली 260 किलोमीटर्स ड्राइव किया है, 510 किलोमीटर हो चुके हैं अभी तक। चलो भैया, बाय बाय। थर्ड पेट्रोल स्टॉप ग्वालियर सिटी के अंदर से मैप लेके जा रहा है, क्योंकि जो हाईवे है वहाँ पे 45 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो ग्वालियर से ही पेट्रोल भरवा रहे हैं। डालिए भैया, हाँ फुल करो। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे होता है मध्य प्रदेश का डी एंड, और ये जो सामने नदी देख रहे हैं आप, ये है चंबल नदी, और चंबल नदी जो है ना वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का बॉर्डर भी है। तो उस पॉइंट पे मध्य प्रदेश ख़त्म हुआ, ये बीच में बॉर्डर है पूरा चंबल नदी से बना हुआ। ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कि पीछे समझ लो कैनेडा है और इस तरफ है US, और बीच में वो नायग्रा फॉल से डिवाइडेड है। और अभी इस पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट हमने क्रॉस किया और हम घुस चुके हैं राजस्थान के अंदर। तो इसी के साथ खम्मा घणी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो भाई इस राइड के थर्ड स्टेट में घुस चुके हैं हम, मजा आ रहा है बहुत। तो रुको जरा, सबर करो। सबर इसीलिए करो क्योंकि ये लास्ट स्टेट नहीं है आज का, जल्दी थोड़ी देर में ही एक और नया स्टेट चालू होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको पता है उसको पता है कि आगरा जो है वो राजस्थान में नहीं आता है। कौन से स्टेट में आता है वो आप गेस कर लो, और ना थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा। 2 hours later और यहाँ पे एग्जैक्टली खत्म होता है राजस्थान। ये है पार्वती नदी और इस पुल को क्रॉस किया है मैंने अभी, और यहाँ से शुरू होता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मेरा भी। इट्स माई फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश, मैं आज तक UP कभी नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और हमारी जो डेस्टिनेशन है आगरा वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है। तो मैं अब सीधा आपको आगरा में अपने होटल में मिलता हूँ। 3, 2, 1 एंड गो। तो पहुँच चुका हूँ मैं होटल, और ये है मेरा होटल रूम, एक बार देख लीजिए। होटल का नाम है बेडवाइजर बैकपैकर्स हॉस्टल। ये हॉस्टल भी है, मतलब यहाँ पे डॉर्मेटरी भी है और साथ में प्राइवेट रूम्स भी हैं। मैंने प्राइवेट रूम लिया है, प्राइवेट रूम जो मुझे मिला वो है 400 rupees का फॉर वन नाइट विदाउट AC, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 10 degrees चल रहा है, तो AC की ज़रूरत ही नहीं थी। तो 400 rupees इज़ क्वाइट रीजनेबल। और इसको बुक करने के लिए आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है आपको पता ही है, फर्मे टूर्स को,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट। सो आज का मेरा खर्चा हो चुका है 3900 का, विच इंक्लूड्स पेट्रोल, 3 बारी मैंने पेट्रोल करवाया, फूड एंड होटल। तो अब मैं आगरा में हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, मैं अब सोने वाला हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत जाना। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज @ridewithsaurav। तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। आप लोग भी सो जाओ, मिलते हैं अगले एपिसोड में।